गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। सर्वांसाठी समानता या तत्वावर लोकशाहीची उभारणी करण्यात आली आहे। मात्र मोदींच्या भारतात फक्त आमदार बोलतात, इथे जनतेला आवाज नाही, अशी टीका काँग्रेसचे युवा नेते कन्हैया कुमार यांनी केली आहे। भाजप हा रोग असून काँग्रेस हाच त्यावर उपाय असल्याचा दावाही कन्हैया कुमार यांनी केलाय। गुरुवारी म्हापशातील बहुजन संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते कि देश की स्थिति ये है कि जिन्होंने देश बनाया, देश के लिए जान गवाई, देश के लिए कुर्बानियां दी, आज उनसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, आप मुझे बताइए राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है भाई। आज ये जो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंसान को इंसान से बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे इंसान को आपस में लड़ा रहे हैं और देश का जो असली मुद्दा है उसको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको और हमको ये तय करना पड़ेगा कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का ऑपरेशन किया जाता है। अक्सर हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या विकल्प है, भाजपा का क्या विकल्प है। मैं कहता हूं बीमारी का विकल्प नहीं, इलाज होता है और भाजपा का इलाज कांग्रेस है, इस बात को याद रखें। सिर्फ नेताओं के मन की बात होती है, जनता के मन की बात नहीं होती है। जनता के मन की बात क्या है? जनता के मन की बात यह है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी देश के लोगों से बनता है। और हमसे पहले जो इस मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कौन है बहुजन? जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो आपके घरों में साफ सफाई करते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं। और ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये सम्मान से अपनी जिंदगी जी सकें, इसीलिए डेमोक्रेसी में बराबरी का अधिकार उनको दिया गया। बराबरी का अधिकार वोट देने से लेकर एजुकेशन लेने तक और एजुकेशन लेने के बाद नौकरी लेने तक, ये इक्वलिटी की आइडिया को डेमोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। आप सोच करके बताइए कि अगर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी की पूरी संविधान सभा यह प्रावधान नहीं करती कि सबका वोट बराबर होगा, तो आपको लगता है कि आपकी गंदी बस्तियों में कभी चमचमाती कार पे बैठकर कोई हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए आता? जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जब अपने घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, एक ही नदी में जब साथ में नहाने नहीं दिया जा रहा है, एक ही कुएं में जब पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो नेता हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने आते। ये डेमोक्रेसी की ताकत थी।